दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्रो ऐप के माध्यम से अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो कैसे आप जो है किसी कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो और ग्रो ऐप पर कैसे जो है फंड ऐड करते हैं। कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्रो ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखी है और ग्रो ऐप पर मैंने अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है। तो ग्रो ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। बाकी ग्रो ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रो ऐप पर अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ग्रो ऐप पर नहीं करना तो पेटीएम मनी पर या फिर जीरोधा पर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो या तो जो 4 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन सेट करते हैं वो मेंशन करना है, या फिर आपने बायोमेट्रिक इनेबल कर रखा है तो आप जो अपने फिंगरप्रिंट से जो है लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो है होम पेज आ गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फंड ऐड करना है तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल का जो आइकन है ना, यहाँ पर इस पर आपको प्रेस करना है। और जैसे प्रोफाइल के आइकन पर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके ग्रो अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, वो यहाँ पर दिखा देगा। हमारा है 1095.92 पैसे। अगर आपको और पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करके जो है और आप पैसे ऐड कर सकते हो। और बाकी कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपके ग्रो ऐप के साथ लिंक है वो यहाँ से आप देख सकते हो बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पर प्रेस करके। अब पैसे ऐड करना है, मनी ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी का, इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे ऐड मनी के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि भाई कितने पैसे आप जो है ऐड करना चाहते हो ग्रो अकाउंट में। बाकी जो अवेलेबल बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं जो है अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दिया मैंने 20,000 रुपये। ठीक है, मैंने 20,000 रुपये यहाँ पर जो है मेंशन कर दिए। बाकी अपने हिसाब से आप जितनी भी अमाउंट ऐड करना चाहते हो, जितने भी पैसे ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए 20,000 रुपये मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो है गूगल पे आ रहा है, यानी कि गूगल पे से जो है पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पर जो आइकन का है इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप फ़ोनपे के माध्यम से भी ऐड कर सकते हो, है ना, और यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऐड कर सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर दिखा देगा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, NEFT IMPS के माध्यम से भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जो है गूगल पे से करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने गूगल पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। आप भी गूगल पे से करोगे तो तुरंत ऐड हो जाते हैं और किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन फीस आपको नहीं देनी रहती। ठीक है, बाकी अगर फ़ोनपे यूज करते हैं या फिर जो है फ़ोनपे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो उनकी जो UPI ID है वो यहाँ पर मेंशन करके जो है आप उनसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे को गूगल पे से करना, तो यहाँ पर गूगल पे सिलेक्टेड है और अब जो है यहाँ पर ऐड 20,000 यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं प्रेस कर देता हूँ। जैसे इस पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट जो है प्रोसेस हो गई है और यहाँ पर जो है गूगल पे यहाँ पर ऐप आ गई है। उसके बाद यहाँ पर पिन मांगेगा, जो भी पिन आपने सेट कर रखा है या फिर जो है बायोमेट्रिक जो है इनेबल कर रखा है, फिंगरप्रिंट फेस जो है आपने इनेबल कर रखा है, तो वो करके जो आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पेइंग ग्रो और यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा। अब यहाँ पर जो है पे का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 4 डिजिट का जो आपका UPI पिन रहता है वो आपको मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पर मैं जो है 4 डिजिट का UPI पिन मेंशन कर देता हूँ। जब UPI पिन मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर जो है पेमेंट प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है और यहाँ पर अपडेटेड अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ गया 21,095.92 रुपये। देख सकते हो यहाँ पर डन का जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर मैं प्रेस कर देता हूँ। और जैसे डन के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोबारा प्रोफाइल के आइकन पर जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पहले जो है 1,095.92 पैसे आ रहा था, तो यहाँ पर टोटल 21,095.92 रुपये यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस ऐड करना है। अब किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो कैसे आप खरीद सकते हो। अब यहाँ पर सर्च ग्रो का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उस कंपनी को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को विप्रो कंपनी का शेयर बाय करना है, तो मैं यहाँ पर विप्रो मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देख सकते हो विप्रो लिमिटेड आ गया, यहाँ पर स्टॉक आ गया, यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो ना ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है, यहाँ पर ये है स्टॉक, मतलब विप्रो कंपनी का शेयर यहाँ से इस पर प्रेस करके आप बाय कर सकते हो। तो मैं इस पर जो प्रेस करता हूँ, जैसे इस पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट में विप्रो कंपनी का जो एक शेयर का जो प्राइस रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा कि भाई क्या प्राइस है। अभी 300 रुपये 83 82 रुपये 5 पैसे दिखा रहा है
और ये आईटी सर्विस जो है इसका बता देगा ये कंपनी जो है क्या काम करती है और इसका जो रिटर्न है वो किस तरह से इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रेस करके आप जो है 5 साल का, 1 साल का, 1 महीने का, 1 वीक का, 1 दिन का आप जो इसका वो भी देख सकते हो, इसका कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना दिया है, 1 महीने में कितना दिया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और पहले से आपने अगर इस कंपनी का जो भी आपने सर्च करी है उसका शेयर अगर आपने बाय कर रखा होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि हमने पहले 2 शेयर बाय कर रखे थे 396 रुपये के भाव से और अभी जो माइनस में 27 रुपये 20 पैसे चल रहा है। 2 शेयर बाय किए थे हमने 793 रुपये 20 पैसे के, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूज देख सकते हो, इवेंट देख सकते हो, FNO यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी इवेंट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये जो है इवेंट पर मैं प्रेस करके भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर इवेंट में क्या आता है, बोनस अगर ये देते हैं, डिविडेंड देते हैं, जो भी बोर्ड मीटिंग होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको बाय करना है ना तो यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन है, तो यहाँ पर बाय का जो ऑप्शन है इस पर मैं प्रेस करूँगा। जैसे इस पर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आपको जो है देखिए इंट्राडे, यानी कि अगर आपको सेम डे जैसे कि ट्रेडिंग करनी है, सेम डे आपको जो है शेयर को खरीदना है और सेम डे ही आपको सेल करना है तो इसके लिए आपको जो है इंट्राडे करना पड़ेगा। अब मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ कि देखिए इंट्राडे में क्या रहता है। जैसे कि मार्केट जो है 9:15 पर जो है ओपन होती है, ठीक है, और बंद कितने बजे होती है, 3:30 पर। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं, कोई शेयर आप खरीद लेते हो, तो आप अगर 3:15 तक अगर आप शेयर को सेल नहीं करोगे तो 3:20 पर जो आपका ब्रोकर रहता है वो आपके शेयर को जो है सेल कर देगा और फिर आपको जो कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो इंट्राडे का बेसिकली काम यही होता है कि सेम डे जैसे कि 9:30 आपने खरीदा तो ज़रूरी नहीं कि शाम को बेचो, जैसे आपको प्रॉफिट हो तो 9:45 भी बेच सकते हो, यानी कि सेम डे, बट उस शेयर को आपको सेम डे उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। अब डिलीवरी का मतलब होता है कि आप पूरा पेमेंट कर रहे हो शेयर के लिए, ठीक है, और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं अभी जो है नहीं बेचूंगा, मैं 1 साल बाद या फिर 1 महीने के बाद या फिर 5 साल के बाद या फिर जो है 10 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद या फिर मैं जो है कभी नहीं बेचूंगा, कभी 15-20 साल के बाद मैं बेचूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको किसी कंपनी का शेयर जो है रखना है तो आपको जो है डिलीवरी का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे को डिलीवरी का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए जो है शेयर को जो है अपने पास रखना है, यानी कि अभी नहीं बेचना, मेरे को 2 साल बाद या फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे को बेचना है। तो यहाँ पर मैं जो डिलीवरी जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी और BSE, अब आप जो शेयर रहते हैं ना उनको आप BSE पर भी खरीद सकते हो, NSE पर भी खरीद सकते हो। जैसे टैप करेंगे तो BSE आ जाएगा और जैसे टैप करेंगे तो NSE आ जाएगा। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी पड़ती है कि कितना आप जो है शेयर खरीदना चाहते हो। यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा देगा भाई 21,000, जितना भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा कि आपके ग्रो अकाउंट में कितना बैलेंस है। अभी हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 21,095। तो जैसे कि यहाँ पर जो है क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 200, जैसे मैंने क्वांटिटी डाली 200 तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई आप जो है ना ओनली 54 शेयर खरीद सकते हो, 200 नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो है ये अमाउंट अगर आपको 200 शेयर खरीदना है तो फिर यहाँ पर और बैलेंस ऐड कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर मैं जो है 54 की जगह अगर यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर डाल देता हूँ 53, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है 54 की जगह 53 क्वांटिटी डाल दी, 53 शेयर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके ग्रो अकाउंट में इतना बैलेंस है और इतना चाहिए, यानी कि 21,095 रुपये हैं और मेरे को 53 शेयर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 20,372 रुपये। तो यहाँ पर दिखा भी देगा। अब यहाँ पर मैं अगर 56 यहाँ पर डालता हूँ ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने डाल दिए तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप इतने बाय नहीं कर सके थे। मैंने 563 यहाँ पर मेंशन कर दिए तो कह रहा है कि 563 शेयर को अगर आपको बाय करना है तो 216,399 रुपये होने चाहिए और हमारे अकाउंट में कितने, 21,095। तो यहाँ पर दिखा देगा और यहाँ पर दिखा देगा कि आप जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर इतने शेयर आप जो है खरीद सकते हो जो आपका ये बैलेंस है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर मैं जो है 54 जो है यहाँ पर मैं 53 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 53 कर लिया, मेंशन कर दिया 53 शेयर मेरे को खरीदने और इसका जो रहेगा टोटल प्राइस 20,372 रुपये। अब यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस यहाँ पर मार्केट आ रहा है, अगर देखिए करंट मार इसमें प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिमिट भी आ जाएगा, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई जो शेयर का प्राइस है इस लिमिट इस प्राइस पर आ जाए तब मैं जो है मेरा जो शेयर मैं बाय करूं, तो वो एक प्राइस भी आप लमसम यहाँ पर डाल सकते हो। और आप चाहते हो कि यार मार्केट में करंट में जो प्राइस है ना उसी पर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो फिर आपको जो है मार्केट का ये जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अभी देखिए मार्केट का जो प्राइस है 383 रुपये 30 पैसे यहाँ पर दिखा रहा है,
और यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा भी हो रहा है, तो अगर मार्केट में जो करंट में जो प्राइस है उस पर आप खरीदना चाहते हो, उस रेट पर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मार्केट सेलेक्ट करना है। आप चाहते हो कि नहीं यार ये जो और कम हो जाए तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जो जिस पे यहाँ पर एक लिमिट डाल सकते हो। जैसे कि अभी मार्केट का जो प्राइस है 383 रुपये, तो यहाँ पर 350 रुपये 340 रुपये आप डालोगे, तो जैसे ये शेयर यहाँ पर टच करेगा तो इतने में जो है आपका शेयर जो बाय हो जाएगा। तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए, मार्केट प्राइस पर बाय करना है, फिर जो है जो आप एक कस्टम अमाउंट डालते हो उस पर आपको बाय करना है। तो मेरे को जो शेयर है ना वो मार्केट प्राइस पर बाय करना है, यानी कि अभी करंट में जो प्राइस है उस पर मेरे को बाय करना है, तो यहाँ पर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन है, बाय का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है, और जैसे बाय के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो गया, हमने जो है 53 शेयर जो है खरीदने के लिए जो है यहाँ पर जो है ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पर टाइम जो है डिलीवरी मतलब कि हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो इसको रखेंगे अपने पास। अब यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर दिखा भी देगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा देगा रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, ऑर्डर प्लेस कर दिया NSE पर, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। बैक कर देते हैं, अब ये कहाँ पर दिखेगा, आप जब आएंगे अपने पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर ऑर्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपने ऑर्डर किया वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपने ये ऑर्डर किया है। ऑल ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करेंगे तो जितने भी आपने ऑर्डर किए हैं वो सारे यहाँ पर दिखा देगा, कब किए हैं, 25 अक्टूबर 10 अक्टूबर यहाँ पर दिखा देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर आपको किसी कंपनी का शेयर अगर आपने जो है खरीद रखा था उसको बेचना है तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करेंगे तो जितने भी आपने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर होल्डिंग का जो ऑप्शन है इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है, और यहाँ पर देखिए होल्डिंग में मैंने 7 कंपनियों के जो है शेयर मैंने खरीद के रखे हुए हैं, करंट में यहाँ पर दिखा देगा इतनी अमाउंट और यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया और करंट में ये अमाउंट होगी, टोटल रिटर्न यहाँ पर दिखा देगा, एक दिन का रिटर्न यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर कंपनी का नाम दिखा देगा, कितने शेयर खरीद रखे हैं, और इनको जो है अगर आपको सेल करना है बेचना है तो सिंपल वो आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो है सेल का ऑप्शन आएगा, इस पर प्रेस करके आप जो है सेल भी कर सकते हो, और होल्डिंग डिटेल्स पर प्रेस करेंगे तो उसकी कंप्लीट होल्डिंग यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप सेल के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे जो है सेल हो जाएगा, तो इस तरह से। बाकी अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर और सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और अच्छी तरह से आपको जो ग्रो ऐप के बारे में समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, स्टॉक के बारे में भी, म्यूचुअल फंड के बारे में भी, ऑर्डर यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट के बारे में भी, सब पूरी डिटेल से जो है जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे भी आपको इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से थी। अब शेयर को खरीदना कौन सी कंपनी का खरीदना है, कौन सी कंपनी का बेच सॉरी कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ना, वो आप खुद से रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, और जो है मिलता जल्द एक और नई जानकारी के साथ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा।